हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML, जिसमें हमारा टॉपिक होगा लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को लिस्ट में दिखाना लिस्टिंग कहलाती है। अगर आपको लगता है कि आपको अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ को आप लिस्ट में दिखाना चाहते हो, तो आपको एक कोडिंग बनानी पड़ेगी। जो कोडिंग बनती है लिस्टिंग के द्वारा, लिस्टिंग की कोडिंग बनेगी HTML के अंदर। तो हमें वो कोडिंग पढ़ना है कि हम एक वेब पेज के ऊपर लिस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो हम वो कोडिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें जानते हैं लिस्टिंग होती कितने तरह की है। लिस्टिंग दो टाइप्स के होते हैं आपके पास, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। नाम से साफ पता चल रहा है, ऑर्डर लिस्ट जो एक ऑर्डर में फॉलो हो, अनऑर्डर लिस्ट जो किसी ऑर्डर में फॉलो ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऑर्डर लिस्ट, ए तो बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये एक ऑर्डर लिस्ट है। आपको पता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी ही होगी ऑर्डर लिस्ट। और एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ऑर्डर लिस्ट, Roman 1, Roman 2, Roman 3 ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट की बात कर ले तो आपने देखा होगा, जब आप पॉइंट्स बनाते हो तो आप एक डार्क बनाते हो, डार्क सर्कल 1, 2 के लिए 1 डार्क सर्कल, 3 के लिए भी 1 डार्क सर्कल, 4 के लिए भी 1 डार्क सर्कल। मतलब वहां कोई ऑर्डर नहीं है, आप चाहे पॉइंट 1 बनाओ, चाहे पॉइंट 2, चाहे पॉइंट 3, चाहे पॉइंट 4, आपके पास एक सिंपल डार्क सर्कल होता है। कभी कभी हम एरो बनाते हैं, एरो का यूज 1 के लिए 1 एरो, 2 के लिए भी 1 एरो, 3 के लिए भी 1 एरो, मतलब ये है एक अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम HTML में इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड में लिखेंगे HTML। आप सबको पता है कि हम HTML क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा HTML का कोडिंग स्टार्ट होता है। तो HTML अगली लाइन लिखते हैं हेड। अगर आपके पास हेड है तो आप हेड लिखो, अगर आपके पास हेड नहीं है तो आप हेड नहीं लिखोगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं हेडिंग नहीं लिख रहा, तो मैं हटा दी हेडिंग। हेड के बाद होती है टाइटल। अगर आप चाहते हो कि टाइटल दो तो आप टाइटल दो, अगर आप नहीं चाहते तो आप टाइटल हटाओ। जैसे मैं टाइटल भी नहीं दे रहा। मतलब हेडिंग और टाइटल आपके पास ऑप्शनल होते हैं। अगर आप दोगे तो वो होंगे, अगर आप नहीं दोगे तो वो नहीं होंगे, नहीं आपके वेब पेज के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला। तो मैं डायरेक्ट आ गया अपने बॉडी के ऊपर। बॉडी कंपल्सरी है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे वो आप बॉडी के अंदर करोगे, इसलिए बॉडी तो होनी जरूरी है। मैं बॉडी के अंदर आया, पहले HTML आपके पास है, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर क्या, तो मैंने कहा लिस्टिंग, तो लिस्टिंग के मैंने लिखा OL। अब OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, मतलब अब मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ वो एक ऑर्डर में फॉलो होगी। अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4 की, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना ही होना है। अगर मैं OL की जगह लिखता UL तो इसका मतलब था अनऑर्डर लिस्ट, मतलब अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो होने वाला नहीं था। लेकिन फिलहाल हम लोग OL पे आएंगे, ऑर्डर लिस्ट। मैंने कहा लिस्टिंग स्टार्ट करो, लिस्टिंग हो, आप जब लाइन बाय लाइन देखो, पहले मैंने कहा कि नॉट पैड के अंदर HTML स्टार्ट हो, स्टार्ट हो गया HTML। उसने कहा कि आपको HTML के अंदर क्या बनाना है, मैंने कहा बॉडी, मैंने स्टार्ट कर दी बॉडी। उसने कहा कि बॉडी के अंदर क्या लोगे, मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट, मुझे बनानी है ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी। लेकिन लिस्ट के लिए आपके पास आइटम्स होंगे ना, क्योंकि लिस्टिंग किसकी होती है, आइटम्स की, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम्स। तो मेरे पास आइटम्स की लिस्ट होगी एक, तो मैंने कहा कि ये लो आइटम, तो मैंने लिखा LI, क्योंकि कंप्यूटर कैसे समझेगा कि आप लिस्ट, आप आइटम दे रहे हो, तो मैंने लिखा LI। अब मैं इसके बाद कुछ भी लिखूंगा तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि वो एक आइटम्स है, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो एक आइटम है। मैंने लिखा LI, लिस्ट आइटम, इसका फुल फॉर्म। मैंने आइटम में लिख दिया ऑरेंज। मैंने कहा कि यही मेरा पहला आइटम है, तो मैंने अपने पहले आइटम को बंद किया, क्लोज किया। मतलब जो चीज यहाँ खत्म हो रही है आप खाली वहां बंद करते चले जाओ, बाकी इसमें कुछ भी कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान साइज है। मैंने LI स्टार्ट की, लिस्ट आइटम, पहला आइटम ऑरेंज, और मैंने ऑरेंज को क्लोज कर दिया, लिस्ट आइटम बंद। मैंने कहा कि मेरे पास एक और लिस्ट आइटम है, मैंने लिखा LI, मैंने लिखा एप्पल, मैंने इसको भी बंद कर दिया। मैंने लिखा थर्ड LI, लिस्ट आइटम, मैंने लिखा ग्रेप्स, और मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। तो मेरे पास 3 लिस्ट आइटम है। मैंने कहा कि HTML स्टार्ट करो, उसके अंदर बॉडी बनाओ, बॉडी के अंदर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम्स। अब मैंने कहा कि ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दो, मेरी लिस्टिंग खत्म हो गई, मैंने OL बंद कर दिया। मैंने कहा कि मेरी बॉडी खत्म हो गई, मैंने अपनी बॉडी को बंद कर दिया। मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम ही खत्म हो गया, मैंने HTML को बंद कर दिया। ये बन गया हमारा एक सिंपल सा कोडिंग। सेव करते हैं, मैंने सेव किया इसको, मैंने सेव में लिखा OL डॉट
HTML। मैंने इसमें एक्सटेंशन दी है .html की, क्योंकि आप नोट पैड में बना रहे हो, अगर आप सिंपल सेव कर दोगे तो वो सेव हो जाएगी txt में, टेक्स्ट में। अगर आप टेक्स्ट में सेव करोगे जो आपने लिखा है आपको वही दिखाई देगा, मतलब वहां पे li, ol, html इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा है ol.html, ये जो .html है इसको कहते हैं एक्सटेंशन। मैंने एक्सटेंशन ही चेंज कर दी इसकी, मतलब अब जो मैंने आइटम लिखे हुए हैं li, html, ol, अब इसे ये html की तरह रीड करेगा। मैंने सेव किया, चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे ol नाम का एक वेब पेज आ गया मेरे पास, मैंने ol पे क्लिक किया, देखते हैं। आप देखो मैंने बनाई थी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, जबकि मैंने कुछ कहा नहीं था इसको ऐसा कि आप मेरे जो ऑर्डर लिस्ट है वो 1 2 3 बनाओ, लेकिन मैं सिंपल कहा कि ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करो, तो उसने बेसिकली बिल्कुल डिफॉल्ट के ऊपर उठाया हुआ है 1 2 3। मान लो मेरा मन था कि ऑर्डर लिस्ट बनाऊं मैं, लेकिन लिस्ट बने ए बी सी की, तो कुछ भी नहीं है। आप अपने कोडिंग पे जाओ, ओएल के पास जाओ, क्योंकि आपको ऑर्डर लिस्ट चेंज करनी है, तो मैं ऑर्डर लिस्टिंग में ही चेंज करूंगा। मैं ऑर्डर लिस्ट के पास गया, स्पेस लो, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं लोगे कि दो कमांड के अंदर, तो वो दोनों कमांड को मर्ज कर देगा और सिंगल कमांड मानेगा। अब क्या है कि ol एक अलग कमांड है, अब जो मैं लिखूंगा वो एक अलग कमांड है, तो मैंने यहां लिखा टाइप। अब कंप्यूटर समझ जाएगा कि ol ऑर्डर लिस्ट स्पेस ये ब्रेक कर रहा है चीजों को, और टाइप तो इसकी टाइप, तो ol स्पेस टाइप, टाइप इक्वल टू आपको टाइप में क्या चाहिए। मैंने लिख दिया 1, जो 1 तो है, मैं लिख दिया a, स्मॉल a लिखा मैंने, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बिल्कुल इजी था। अगर मैं लिखता कैपिटल ए, कैपिटल ए, मैंने सेव किया, टैब चेंज किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर साथ है। मैंने यहां लिख दिया स्मॉल आई, सेव तो किया नहीं, कंट्रोल एस, टैब चेंज किया मैंने, कंट्रोल आर, रिफ्रेश किया, स्मॉल रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, लेकिन स्मॉल में सब। मैंने फिर से टैब चेंज किया, मैंने यहां लिखा कैपिटल आई, अब क्या होगा, मैंने सेव किया, टैब चेंज किया, रिफ्रेश किया, तो रोमन कैपिटल 1, रोमन कैपिटल 2, रोमन कैपिटल 3, ये हो गया आपके पास ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के लिए कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं, आपकी जो कोडिंग थी वो कोडिंग रहेगी, क्योंकि आप चाहे ऑर्डर लिस्ट बनाओ चाहे अनऑर्डर लिस्ट बनाओ, HTML HTML ही होगा, बॉडी बॉडी ही होगी। लेकिन ol यहां पे हम गलती कर रहे हैं, ol ये ऑर्डर लिस्ट है, हम क्या कर देंगे, o कोटा के यू कर देंगे, अनऑर्डर लिस्ट ul। एक नाम हटाते हैं टाइप यहां से, बनाते हैं सिंपल ul, ul की लिस्ट आइटम, क्योंकि li तो सेम रहेगा सबके लिए, लिस्ट आइटम ही होती है, तो li, यहां पे हमने ol बंद किया है, हम यहां ul बंद कर देंगे, बस ये हो गया हमारे लिए अनऑर्डर लिस्ट। सेव किया, रेफरेंस और टैब चेंज किया, रिफ्रेश किया, आप देख लो इसने अपने आप उठाए हुए हैं डार्क सर्कल, जिसे हम कहते हैं डिस्क, हम इसे डिस्क कहेंगे कोडिंग के लिए HTML के अंदर। टैब चेंज करो, अब हम टाइप लिखते हैं। मैंने कहा कि ना इसमें मजा नहीं आया, मैंने टाइप इक्वल टू, मैंने टाइप में कहा कि मुझको चाहिए सर्कल, मैंने सर्कल लिखा, सेव किया, टैब चेंज किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख लो अब जो डार्क सर्कल नहीं है, अब ये क्या है, आपके पास सारी सर्कमफेरेंस है, वो पूरा ही पूरा डार्क नहीं है, पूरा सॉलिड नहीं है वो, और देखते हैं और क्या हो सकता है। मैंने यहां लिखा स्क्वायर, मैंने कहा कि ना सर्कल में मजा ही नहीं आ रहा, स्क्वायर लेंगे, मैं लिख दिया स्क्वायर, सेव, टैब चेंज, रिफ्रेश, अब देखो आपके पास सॉलिड स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर। आपने कहा कि नहीं जो पहले आ रहा था मुझे वही चाहिए, या तो आप टाइप लिखो ही मत, वो अपने आप आ जाएगा डिफॉल्ट में, नहीं आप चाहते हो कि नहीं मेरे कोडिंग लिखनी थी मुझको, तो आप लिखोगे डिस्क, उस कोडिंग का नाम है डिस्क, सेव, टैब चेंज, रिफ्रेश, आप देख सकते हो अपने आप आ गई है डिस्क, आप नहीं लिखते हो तो भी आती है डिफॉल्ट में, आती ही आती है। ये पूरा का पूरा है ऑर्डर लिस्ट। तो आज की क्लास इतनी ही थी, अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट की रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे लगा कि वो कमेंट बहुत बड़ा है, डाउट बहुत बड़ी है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद लगता है तो आप लोगों को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।